चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700-49-75। रघुनाथपुर विधानसभा के जदयू प्रत्याशी राजेश्वर चौहान का हसनपुरा प्रखंड के उसरी में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष इंद्रदेव पटेल, पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर, जदयू नेता शंभू गुप्ता, निकेश चंद तिवारी के साथ कई अन्य लोग मौजूद थे। राजेश्वर चौहान ने कहा कि उसरी में चुनावी कार्यालय खुलने के बाद हसनपुरा प्रखंड का सारा काम यहीं से देखा जाएगा और सारी रणनीतियां इसी कार्यालय से बनाई जाएगी। उसरी में कार्यालय खुलने के बाद अब हमारा चुनावी रणनीति और आसान हो गया है। यहाँ बैठकर सारी तरह की रणनीतियाँ बनाई जाएगी। हसनपुरा प्रखंड में आज रघुनाथपुर विधानसभा के उसरी बाजार में आज कार्यालय का उद्घाटन विधिवत हुआ। आज से यहाँ से हसनपुरा प्रखंड का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का यहाँ से संचालन विधिवत रूप से किया जाएगा और यहीं से सभी कार्यकर्ताओं को रण क्षेत्र में भेजा जाएगा। रघुनाथपुर विधानसभा में हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर माननीय नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री के मुद्दों को लेकर हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और हम लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। देखिए, आज रघुनाथपुर विधानसभा हसनपुरा प्रखंड के उसरी बाजार में आज कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हो गया। कल हम लोग को प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ रघुनाथपुर में और यह चुनाव का प्रचार अपने चरम सीमा पर अब जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता रघुनाथपुर प्रखंड के रघुनाथपुर और हसनपुरा के हसनपुरा और हुसैनगंज के हुसैनगंज सभी जगह लोग अपना सिस्टम से काम करेंगे। यह विधिवत कार्यालय हो गया। हमारे प्रत्याशी का जनसंपर्क तेजी में चल रहा है लोगों से मिलने के लिए और हमारे कार्यकर्ता जो भी जहां पर हैं सब लोग अलर्ट हो गए हैं, लगे हुए हैं। एक एक घर में हम लोग को माननीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बातों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीए में सब ठीक है? बिल्कुल एनडीए में ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। लगातार मन से हमले हो रहे हैं दूसरे पे, आपकी महिला सांसद पे भी हमले हो रहे हैं जो विधायक कर रहे हैं, वह सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे सिवान के सभी मतदाता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उम्मीदवार को आठों सीट पर जिताने के लिए 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। महिला सांसद आपकी गायब रह रही है नीतीश के मन से और जो आपके विधायक है वो महिला सांसद उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। देखिए, महिला सांसद माननीय सांसद महोदया का तबीयत ठीक नहीं था इसलिए वह कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुई और उन पर जो कोई ओछी हरकत किया गया वह निंदनीय है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फूट की बात नहीं है, आप तो जानते हैं उनके बारे में, जानते हैं उसकी विचित्र आदमी है ना, वो तो विचित्र आदमी है। अब उनकी बात छोड़ दीजिए, हम लोग को सरकार बनाना है और सब लोग का निशाना है एनडीए को आठों सीट पर जिताना है, बाकी कोई बात नहीं है। रघुनाथपुर विधानसभा के क्षेत्र में ये रघुनाथपुर मुख्यालय के कार्यालय खोलने के बाद यह दूसरा कार्यालय हसनपुरा प्रखंड के उसरी बाजार में खुला है और यह सीट एनडीए काफ़ी मतों से जीतेगा। हमारे उम्मीदवार को नीतीश और नरेंद्र मोदी के नाम पर सभी जाति सभी धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमारा कैंडिडेट सबसे बहुत आगे है और यहाँ से जीत करके यही नहीं पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र नीतीश और मोदी के नाम पर ये लोग जीत करके जाएंगे और नीतीश को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। रघुनाथपुर विधानसभा में 108 रघुनाथपुर विधानसभा में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, है कि नहीं? हम कम से कम 25,000 से 30,000 वोट से जीतने जा रहे हैं और अंडर करंट है कि नहीं? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई कोई लड़ाई में है ही नहीं है। एकमात्र नीतीश जी और नरेंद्र मोदी
दोनों के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बनने जा रही है मुख्यमंत्री की अगुवाई में और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से जो बिहार में सरकार बनेगी वो नीतीश जी के बनेगी, तो यहाँ से राजेश्वर चौहान जीत के जाएंगे, आठों विधान से एनडीए के लोग जीत के जाएंगे तब ना सरकार बनेगी। इसलिए सीवान जिला में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ कोई लड़ाई है, कहने के लिए लोग कहता है, लड़ने के लिए लड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और राजेश्वर चौहान जी बहुत मतों से रघुनाथपुर विधानसभा से जीत के विधानसभा पहुँचेंगे।